हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इमरान जगत। जैसा कि हम बीएड सेकेंड ईयर में गणित सेक्शन में इकाई एक पढ़ रहे हैं और इकाई एक में ज़्यादातर पाठ्यक्रम से संबंधित ही है। पाठ्यक्रम कैसे निर्मित किया जाता है, पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, इसी के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रखी है। क्योंकि हमें माध्यमिक स्तर पर और विद्यालय में गणित किस तरह से शिक्षण कराना है उसी के बारे में बताएं कि एक माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में कौन सी बातों को सम्मिलित किया जाए, उनकी आयु के अनुसार, उनकी मानसिक आयु के अनुसार, उनकी वास्तविक आयु के अनुसार हम कौन से विषयों को जोड़ा जाए जिससे माध्यमिक स्तर के पढ़ने वाले बालकों को एक समझ आए और विद्या मतलब ज्ञान को अर्जित कर सके। तो आज हम एक पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। कई बार क्या होता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, इन दोनों का अर्थ भी एक ही समझ लिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा किताबों में पाठ्यचर्या लिखा होता है, कई बार पाठ्यक्रम लिखा होता है। पाठ्यक्रम के बारे में बताया कि पाठ्यक्रम करिकुलम का हिंदी रूपांतर है और यह लैटिन भाषा से लिया गया। अब लैटिन भाषा में यह जब इसका शब्द है वो कुरेर से बना हुआ है। अब कुरेर का मतलब होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान बोला जाता है। अब दौड़ का मैदान यानी एक बालक को दौड़कर मैदान में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना या गंतव्य स्थान को पार करना, ये तो है एक छोटी सी मीनिंग। और इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा कि करिकुलम वह क्रम है जिसके द्वारा शिक्षा के व जीवन के मूल्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, सफलता प्राप्त कर सके, ऊंचाइयों तक जा सके। मतलब पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसपे चलकर बालक अपने गंतव्य स्थान यानी लक्ष्य की प्राप्ति करता है। यानी पाठ्यक्रम को एक माध्यम मान सकते हैं, पाठ्यक्रम को एक मार्ग मान सकते हैं जिसपे चलकर व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। अपने जो उसके माइंड में अपने विचारधारा में जो सोचा है वो वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन उसको जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक बालक है जिसको डॉक्टर बनना है। आज मान लो मैं ही हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर तो बन नहीं सकता। तो उस डॉक्टर बनने के लिए मुझे कौन सा कोर्स करना होगा, मुझे कौन सी प्रैक्टिस करनी होगी, कौन सी ट्रेनिंग लेनी होगी, वो सब किस में दे रखा होता है? एक पाठ्यक्रम में। उस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम एक डॉक्टर बनने का सब सपना पूरा पूर्ण कर पाते हैं। है पता है कि एक डॉक्टर और एक अपने बीच में एक पाठ्यक्रम बीच में आता है। उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद हम एक अच्छे से डॉक्टर बन पाते हैं। यानी पाठ्यक्रम ही है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। पाठ्यक्रम में वह सभी बातें सभी विषय जुड़े हुए होते हैं जो हमें एक लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, हमें उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। तो आज हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर बताएंगे। मैं एक छोटा सा बता दूं कि पाठ्यक्रम एक बड़ा रूप है और पाठ्यचर्या एक छोटा रूप है। सॉरी, पाठ्यचर्या का जो रूप है वो बड़ा है और पाठ्यक्रम है वो बड़ा छोटा है। वो कैसे? कि पाठ्यक्रम में सिर्फ विषय वस्तु को लिखा जाता है, विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। लेकिन पाठ्यचर्या जो विषय वस्तु है उसके ऊपर चर्चा की जाती है। उस जो विषय है उसमें हम किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, किन धारणाओं को प्रस्तुत करना है, किन बातों को प्रस्तुत करना है, वो सभी बातें इसमें सम्मिलित की जा सकती है। अब मैं एक बिंदु से आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला बिंदु है कि पाठ्यक्रम छात्रों को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है। पाठ्यक्रम छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यानी बालक की क्या क्या आवश्यकता है, बालक की क्या शिक्षण, उनकी क्या मानसिक आयु है, उनकी वास्तविक आयु क्या है, उनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। यानी आपने देखा होगा कि
पहली से पांचवी तक का पाठ्यक्रम अलग होता है, छठी से लेकर आठवीं तक पाठ्यक्रम अलग होता है, नवीं से बारहवीं का पाठ्यक्रम अलग होता है और कॉलेज लेवल का पाठ्यक्रम अलग होता है। अब मैं अगर ये बोलूँ कि कॉलेज का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर लागू कर दिया जाए तो क्या छोटे बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो पाठ्यक्रम में किन बातों को सम्मिलित किया करना होता है वो सब एक छात्रों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। अब पाठ्यचर्या शिक्षकों को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है, यानी शिक्षक उस विषय वस्तु पर जो पाठ्यक्रम बना हुआ है, पाठ्यक्रम पहले से निर्मित है, उस पर क्या मतलब वो चर्चा करेगा, उसके बारे में क्या बताएगा, उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या मतलब उसको ध्यान में रखकर ये पाठ्यचर्या निर्मित की जाती है। ठीक है। अब दूसरा है कि पाठ्यक्रम में कक्षा के अनेक रचनात्मक कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, यानी पाठ्यक्रम में उन सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है जो एक कक्षा के अंदर होता है। रचनात्मक का मतलब होता है कि उस विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद में बालक के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, उस बालक के अंदर क्या वो क्या चीज नहीं सीखेगा, तो उन सभी चीजों को सम्मिलित किया जाता है। और पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के मुख्य तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, यानी पाठ्यक्रम में जो मुख्य बातें होती है उन्हीं को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये शिक्षकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो शिक्षक होता है वो मुख्य बातों को ही बिंदु नोट करेगा, वो मुख्य बातों पर ही चर्चा करेगा। अब है इसके बाद में पाठ्यक्रम में यह निश्चित करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये पाठ्यक्रम में निश्चित किया जाता है कि भाई बच्चों को पढ़ाना क्या है। ठीक है। तो अब पाठ्यचर्या में अध्यापक छात्रों को जो शिक्षण कार्य करवाता है वही सम्मिलित किया जाता है, यानी अब पाठ्यचर्या में एक अध्यापक छात्रों को जो शिक्षण कार्य करवाता है उसको पढ़ाना क्या है, उसको पढ़ाते समय शिक्षण विधियों का कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग में लेना है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, उन बातों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में कि पाठ्यक्रम का निर्माण अध्यापक द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। पाठ्यक्रम एक अध्यापक अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है, मतलब है कि जितनी उसकी आवश्यकता है, मुझे क्या बताना है, कौन से विषय वस्तु की जरूरत पड़ेगी, कौन सी टीएलएम की जरूरत पड़ेगी और किस विषय पर मुझे कितना बोलना है, उसके अनुसार वो निर्मित किया जाता है, उसकी कितनी आवश्यकता है। और पाठ्यचर्या का निर्माण शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित शिक्षाविदों व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यानी जो इस जिन्होंने पाठ्यक्रम निर्मित किया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कि विद्वान है, महापुरुष है शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने जो अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग परिवर्तन किए, उनके द्वारा पाठ्यचर्या निर्मित की जाती है, उस शिक्षाविदों के द्वारा निर्मित की जाती है। अब इसके बाद में पांचवा है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप संकीर्ण होता है। पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है? संकीर्ण होता है, छोटा होता है। और पाठ्यचर्या का रूप व्यापक होता है। ऐसा क्यों? मैंने अभी बताया कि पाठ्यक्रम सिर्फ विषय बताता है कि किन विषयों को जोड़ना है। ठीक है। और पाठ्यचर्या में ये होता है कि उन विषयों पर क्या चर्चा करनी है, उन विषयों के बारे में बालक को, शिष्य को क्या बताना है, उनके बारे में मतलब कि उनके ऐसे क्या चीजें बताएं जिससे उनकी शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। ठीक है। अब पाठ्यक्रम पूरे वर्ष के शिक्षण और विषय वस्तु को निर्धारित किया जाता है। पाठ्यक्रम में पूरे वर्ष की शिक्षण विधि और विषय वस्तु को का निर्धारण किया जाता है, यानी कौन से विषयों को जोड़ पढ़ाना है, कौन से विषयों को कैसे पढ़ाना है, इन विषयों को सम्मिलित किया जाता है। और पाठ्यचर्या में शिक्षण विधि सहायक सामग्री तथा प्रविधियों का निर्धारण किया जाता है, यानी मैंने अभी बताया कि ये शिक्षकों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो जाहिर बात है वो शिक्षण विधि कौन सी शिक्षण विधि उपयोग में लेगा, जैसे गणित पढ़ा रहा है तो गणित में कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग में लेगा, हिंदी पढ़ा रहा है तो हिंदी में कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग में लेगा, इसी तरह से सहायक सामग्री कौन से विषय वस्तुओं में कौन सी शिक्षण सामग्री प्रयोग में लानी है, और
गुण का निर्धारण किया जाता है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम अपने अगले बिंदु है, सातवां बिंदु है अपने, छह बिंदु मैंने पहले बता दिए, अब सातवां बिंदु है पाठ्यक्रम शिक्षकों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम शिक्षकों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे कि पाठ्यक्रम जब बच्चों को ऊपर पढ़ाया जाता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, तो मूल्यांकन से ऐसा महसूस होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा या उनके नंबर कम आ रहे हैं, तो उससे हम ये नतीजे पे इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं कठिन है, पाठ्यक्रम बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम पाठ्यक्रम उसके बाद में परिवर्तन कर सकते हैं। अब पाठ्यचर्या का स्वरूप, पाठ्यचर्या का रूप सभी शिक्षकों के लिए समान होता है, इसलिए इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। भले सभी शिक्षकों के लिए बनाया जाता है, शिक्षकों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इससे ये परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिए पाठ्यचर्या का रूप सभी के लिए समान है। अब इसके बाद है कि पाठ्यक्रम विषय वस्तु के पहलुओं को प्रभावित करता है, क्योंकि पाठ्यक्रम विषय वस्तु को लेकर बढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम विषय वस्तु के ऊपर बढ़ाया जाता है, इसलिए पूरे विषय वस्तु को के पहलुओं को प्रभावित करता है। अब पाठ्यचर्या व्यक्ति के समस्त पहलुओं को प्रभावित करती है, वह पाठ्यचर्या व्यक्ति की समस्त जो उसकी विशेषता होती है, जो बातें होती है, उनको प्रभावित करती है, सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, क्योंकि पाठ्यचर्या एक बड़ा रूप है, व्यक्ति के सभी बातों को, सभी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या निर्मित की जाती है। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम की उपलब्धि का मापन किया जा सकता है, पाठ्यक्रम की उपलब्धि का मापन किया जा सकता है। मैंने कहा कि भी पाठ्यक्रम जब बनाया जाता है तो पाठ्यक्रम एग्जाम के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से और भी कई टेस्ट के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कितना पाठ्यक्रम सफल रहा, कितना असफल रहा, हम उसका एक मापन निकाल सकते हैं। लेकिन पाठ्यचर्या का मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी शिक्षकों के लिए एक समान बना हुआ है और शिक्षकों के लिए ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो इसका मापन नहीं किया जा सकता। ओके, उसके बाद में है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत पुस्तकीय ज्ञान का महत्व होता है, पाठ्यक्रम में जो पुस्तक को लेकर बनाई जाती है, पाठ्यक्रम जब पाठ्यक्रम निर्मित होता है तो उसके बाद में पुस्तकों का निर्माण होता है, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत पुस्तकीय ज्ञान यानी पुस्तक का जो ज्ञान होता है उसको महत्व दिया जाता है, उसी विषय वस्तु को महत्व दिया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या में मौखिक और व्यवहारिक ज्ञान का महत्व होता है। कैसे? मौखिक यानी एक टीचर को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या बनाई जाती है, तो टीचर किस तरह से बच्चों के साथ में व्यवहार कर रहा है, टीचर एक स्टाफ के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, बच्चों को किस तरह से समझा रहा है, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति यानी उसके समझाने का जो तरीका है वो कैसा है, उसको ध्यान में रखकर उसको महत्व दिया जाता है, वो किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन देता है, प्रस्तुतिकरण कैसे देता है, वो विषय वस्तु को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, समझाता है, उन्हीं बातों को उस पाठ्यचर्या में महत्व दिया जाता है। उसके बाद में कि पाठ्यक्रम कक्षा कक्षा शिक्षण कार्य से संबंधित होता है, पाठ्यक्रम कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उस कक्षा से संबंधित होता है, उस कक्षा में जो पढ़ाने जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उससे संबंधित होता है और शिक्षण कार्य से संबंधित होता है। यानी कहने का मतलब है कि कक्षा में जब हम पाठ्यक्रम यानी जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं वो विषय वस्तु शिक्षण कार्य क्या करवा रहे हैं उससे संबंधित होता है, और पाठ्यचर्या विद्यालय द्वारा निर्देशित और निर्धारित व्यवस्था शामिल किया जाए। यानी पाठ्यचर्या में विद्यालय द्वारा निर्देशित और निर्धारित व्यवस्था को शामिल किया जाता है, यानी विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, एक बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, एक शिक्षकों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, और विद्यालय में एक शैक्षणिक एक माहौल बने, उस शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए एक विद्यालय स्तर पर क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, उन सभी
स्थितियों को, उन सभी बातों को एक पाठ्यचर्य में शामिल किया जाता है, पाठ्यचर्य में शामिल किया जाता है। उसके बाद में एक पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति पर जोर देता है। पाठ्यक्रम किस पर जोड़ता है? रटने की प्रवृत्ति देता है, क्योंकि पाठ्यक्रम छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इसमें जो चीजें लिखी होती है उसी चीज पे, उसी बातों पर जोर दिया जाता है। और पाठ्यचर्य छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, क्योंकि पाठ्यचर्या एक एक अंश का ध्यान रखती है, एक एक विषय वस्तु का ध्यान रखती है। और पाठ्यचर्या एक पाठ्यक्रम का विस्तारित रूप है, हर पहलुओं को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या निर्मित की जाती है। इसलिए छात्रों का सर्वांगीण विकास पाठ्यचर्या के माध्यम से ही होता है। इससे पाठ्यचर्या में बालक का सर्वांगीण विकास पर बल देती है और पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। तो यह है अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर। अगले वीडियो में हम अगला विषय अध्ययन करेंगे। और एक आवश्यक सूचना है कि आपकी जो उपस्थिति जो दर्ज की जा रही है, वो कमेंट बॉक्स में आप अपने अपना खुद का नाम, अपने पिता का नाम लिखोगे, उसके माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा रही है। तो आप कृपा करके कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम और पिता का नाम अवश्य लिखें। धन्यवाद।